वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं एसी के ट्रबल शूट फाइंड करने के बारे में। हमें कंप्लेन मिला है कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, तो अगर कूलिंग नहीं करता है तो हम आउटडोर में आकर के चेक करना चाहिए क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, अब हम चेक कर रहे हैं हमारा कंडेंसर फैन तो चल रहा है, बट गैस जो हमारा यहाँ पर सक्शन पाइप भी चिल नहीं है और लिक्विड लाइन भी नॉर्मल है, पंपिंग नहीं हो रहा है। तो कंडीशन में हमें चेक करना चाहिए इसमें गैस है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे, हम गैस चेक करते हैं, गैस भी यहाँ पर तो निकला प्रेशर से, और गैस में भी हमारा कितना शो करता है आप देख सकते रहेंगे। यहाँ पर गैस भी देख सकते रहेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर फुल है, यानी कि इसमें गैस है। अगर गैस नहीं रहता है तभी प्रॉब्लम होता है कूलिंग का। तो गैस हमारा है, आप देख सकते रहेंगे हमारा कंडेंसर फैन भी चल रहा है, आप देख सकते रहेंगे कंडेंसर फैन भी हमारा स्पीड से चल रहा है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। सबसे पहले हमें अगर कॉन्ट्रेक्टर लगा हुआ है तो इनपुट पावर चेक करेंगे, इनपुट पावर प्रॉपर है या नहीं है। तो आप देख सकते रहेंगे 230 यानी कि 240 वोल्टेज के अंडर में है, तो वोल्टेज भी ठीक है, वोल्टेज का प्रॉब्लम इशू नहीं है। इन कॉन्ट्रेक्टर का इन तो हो रहा है सही, बट आउट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें चेक करना चाहिए। तो आउट भी देख सकते रहेंगे, हम चेक कर रहे हैं तो 243 वोल्टेज शो कर रहा है, यानी कि आउटपुट भी वोल्टेज जो है सही है। कई बार होता क्या है, जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर रहता है 2 पोल का है, ये खराब हो जाता है जिससे पावर वीक हो जाता है, पावर आउटपुट प्रॉपर नहीं देता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद हमें चेक करना है कॉन्ट्रेक्टर से आउटपुट जो आ रहा है हमारा कंप्रेसर का वायर जो रहता है वहाँ तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि कॉमन रन स्टार्ट है तो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से चेक करेंगे और एक कॉमन पर रख करके चेक करेंगे हमारा कैपेसिटर से आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि रन बाइंडिंग डाइट रहता है, स्टार्टिंग के जो कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट जाता है कैपेसिटर से भी आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रन बाइंडिंग डाइट रन पावर जो रहता है कंप्रेसर तक पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीज़ें हम कॉन्ट्रेक्टर से आउटपुट और कैपेसिटर के आउटपुट तक हम चेक करेंगे। ये हम बाहर से ऊपर से ही खोल करके चेक कर सकते रहें। जैसा कि हम चेक कर रहे थे इसमें पावर आउटपुट हो रहा है। एक चीज़ और बता दें, अगर हमारा कॉन्ट्रेक्टर होल्ड नहीं होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, कंडेंसर फैन भी नहीं स्टार्ट होता है, तो हमें आउटडोर में जो कॉन्ट्रेक्टर का कॉइल रिले रहता है ये चेक करना चाहिए दोनों साइड से। ये भी हमने चेक किया, यहाँ पर भी पावर शो कर रहा था, यानी कि हमारा ऊपर से कवर सब कुछ सही है, पावर शो जो है कंप्रेसर तक जा रहा है, कंडेंसर फैन भी चल रहा है, कॉन्ट्रेक्टर आउट कर रहा है वोल्टेज, फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कंडीशन में हमें क्या चेक करना चाहिए, कंप्रेसर को पावर जो मेन रहता है वो बंद करेंगे। बंद करने के बाद कंप्रेसर का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना, कॉन्ट्रेक्टर से आउटपुट जो वायर रहता है वो निकालना है। निकालने के बाद इसमें जो कॉमन रन स्टार्ट रहता है तीनों का हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर तीनों कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, तो हमें जो है कुछ किसमें शो कर रहा है अब आपको देख सकते रहेंगे। इसमें से हमें जो है एक दो वायर जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, एक हमने कॉमन से रनिंग पर लगा कर चेक किया तो नहीं शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, जो दूसरा है रनिंग और स्टार्टिंग का चेक करते हैं, ये हमें मालूम चलता है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते रहेंगे एक वायर में हमें रनिंग स्टार्टिंग का इसमें यहाँ पर जो हमें मालूम चल रहा है, सॉरी कॉमन और स्टार्टिंग का हमें मालूम चल रहा है वायर जो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, रनिंग का जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। यानी कि जो तीन वायर रहता है तीनों में से दो पर ही कंटिन्यूटी शो कर रहा है, एक पर नहीं शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या इफेक्ट हो सकता रहेगा, या तो हमारा कंप्रेसर गर्म हो सकता रहेगा, इंटरनल ट्रिप हो सकता रहेगा, या फिर हो सकता रहेगा कंप्रेसर का वायरिंग फॉल्ट हो सकता रहेगा। तो हम इसे चेक करने के लिए टर्मिनल खोलेंगे तो हमें मालूम चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कंप्रेसर का टर्मिनल है, डायरेक्ट हम यहाँ पर वायर चेक करेंगे, यहाँ से सब कुछ प्रॉपर है सही है क्या। बट यहाँ हमने चेक किया, देख सकते रहेंगे हमने पाया जो वायर जो है एक जल चुका है, आप देख सकते रहेंगे ये रनिंग का वायर जो है ये हमारा क्या हो गया, जल चुका है। आप देख सकते रहेंगे यहाँ पे एक वायर जो है हमारा जल चुका है, जो हमारा ऊपर से कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा था। क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि हमारा एक वायर जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, टर्मिनल थिमल से कनेक्ट नहीं था, सिर्फ दो वायर ही कनेक्ट था, यानी कॉमन और स्टार्टिंग का था। तो वहाँ पर दोनों हमारा वायर शो कर रहा था, और रनिंग का देख सकते रहेंगे यहाँ पर पावर नहीं शो कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा दो ही पावर जा रहा था, स्टार्टिंग नहीं जा, एक पावर नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा गर्म भी हो गया था, प्रॉब्लम कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो कभी भी आप चेक करें कंफर्म, एक बार और हम चेक करेंगे कंप्रेसर का वाइंडिंग सही है या ख़राब है।
क्योंकि हमारा ऊपर से दो वायर तो सही नहीं दिखा रहा था। उसे चेक सकते रहें, एक हम कॉमन पर रखते हैं, दूसरा हम रनिंग पे चेक करते हैं, दूसरा स्टार्टिंग पे चेक करते हैं। तब देख सकते रहें कि यहाँ पर तीनों पर टर्मिनल पर हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारा कंप्रेसर सही है। इस तरह से हमारा तीनों पर कंटिन्यूटी शो करना चाहिए और रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। शो कर रहा है तो सही है। इसके मतलब हमारा जो प्रॉब्लम था, सिर्फ हमारा वायर जो है यही जल चुका था, टूट चुका था, क्रैक हो गया था, ब्रोकन हो गया था। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे रिपेयर करेंगे, थिम्बल लगा करके टाइट करेंगे। तो हमें इसे थिम्बल लगा कर टाइट कर दिया है, वो आप अपने तरीके से इजी से कर सकते रहेंगे, आप वो इजी रहता है, नहीं तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। उसके बाद हमने कनेक्शन जब सब कुछ कर दिया, रेडी कर दिया है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पावर चेक करते हैं। कॉन्टैक्टर का हमारा इनपुट पावर हो रहा है, आउटपुट देख सकते रहेंगे नहीं हो रहा है, 0-0 है, इन हो रहा है। तो हमें सीपी से इंडोर से हम चालू करेंगे, इंडोर से चालू करेंगे तो हमें आउटडोर में चालू होने के लिए कम से कम 3-5 मिनट का टाइम लगता है, और कंपनी के ऊपर टाइमिंग सेट रहता है। तो हम यहाँ पर 5 मिनट वेट करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे और यहाँ से हम रखेंगे एम्पियर मोड पर रखेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, एम्पियर मोड पर रखते हैं, देखते हैं हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कितना एम्पियर लेता है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए थोड़ा सा देख सकते रहेंगे, स्टार्ट हुआ और ये हमारा 14 एम्पियर तक गया, यानी कि स्टार्टिंग में आप देख सकते रहेंगे 14 एम्पियर तक जा रहा है। ये हमारा 2 टन का कंप्रेसर है, 2 टन का एसी है, तो ये हमारा नॉर्मल जो है 11-12 एम्पियर के नियर बाई में रहना चाहिए। तो ये सही है, 12 एम्पियर ले रहा है, बट यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। ये कम क्यों हो रहा है, इसका आगे हम रीजन समझेंगे, देखेंगे। बट देख सकते रहेंगे अभी ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। पहले हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ कंडेंसर फैन चल रहा था। अभी देख सकते हैं कंडेंसर फैन भी चल रहा है और एम्पियर भी लोड कंप्रेसर भी चल रहा है, लोड ले रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सक्शन और लिक्विड प्रेशर रहता है, इसे हमें चेक करना है कितना प्रेशर शो कर रहा है, कंप्रेसर पंपिंग सही है या नहीं है, क्या चीज़ है मालूम चलेगा। अभी देख सकते रहेंगे इसका एम्पियर जो हमारा 11 एम्पियर आ गया, 11 समथिंग है। तो हमारा थोड़ा सा एम्पियर जो एक पॉइंट थोड़ा कम है, 1-2 पॉइंट जो थोड़ा सा इसमें एम्पियर जो है कम है। नॉर्मल कंडीशन भी चलता है बट थोड़ा सा इसमें कम है। तो क्या इसका कम होने का रीज़न क्या हो सकता रहेगा, ये हम आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते रहेंगे यहाँ से गैस है, अभी हम गैस चेक करेंगे, इसमें कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें गैस प्रॉपर पंपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसे चेक कन्फर्म करने के लिए हम यहाँ पर गेज लगाया, जब गेज लगाया तो हमने चेक किया, देख सकते रहेंगे सक्शन लाइन पर हमने लगाया है, तो सक्शन का प्रेशर देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमें शो कर रहा है 50 PSI शो कर रहा है। देख सकते रहेंगे 50 PSI शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें गैस थोड़ा कम है, क्योंकि हमारा नॉर्मल 822 गैस है तो 60-65 रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, तभी 50 PSI शो कर रहा है। इसका मतलब गैस कम है, जिसकी वजह से एम्पियर भी थोड़ा सा कम ले रहा है। तो नॉर्मल है, इसमें हम गैस टॉप अप करेंगे, चार्ज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम चेक करेंगे लीक कहाँ से लीक है, क्या प्रॉब्लम है, चेक करके टॉप अप करेंगे। वो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, किस तरह से गैस टॉप अप करते हैं, चार्ज करते हैं, गैस का वैक्यूम करते हैं, HVAC सेंट्रल AC सभी AC का अलग अलग पार्ट्स का हम बहुत से वीडियो बना हुआ है, देख सकते रहेंगे। यहाँ से आउटपुट कॉन्टैक्टर का आउटपुट से भी हम एम्पियर चेक कर लेते हैं, सभी का हमारा काम रन स्टार्ट से सभी पे चेक कर लेंगे, एम्पियर कितना कितना ले रहा है और कितना स्टार्ट ले रहा है। तो यहाँ पर तीनों को हम चेक कर ले रहे हैं, एम्पियर वगैरह सब नॉर्मल ले रहा है, चल रहा है, सही है। और इसमें गैस का कम है तो गैस हम नेक्स्ट वीडियो में टॉप अप करने के जानेंगे। और भी हमारे पास बहुत सी AC है, HVAC चिल्लर नहीं है हमारे पास, पैकेज और भी कंट्रोल्स के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो उसका बहुत सा हमारा वीडियो बना हुआ है। अगर आप जो है ऑनलाइन कोई सा भी क्लेम मीटर टूल्स है, या फिर डिजिटल जो हमारा गेज है, या फिर टूल्स वगैरह कुछ भी आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे। अभी बहुत से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा आप ले सकते रहेंगे। ये वीडियो नए टेक्नीशियन लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। ये वीडियो और भी लोग पास शेयर करें, जिससे और भी लोग सीख सके, जान सके, देख सके। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।